is for my best friend for ki tujhe bina nahi lagta ki tujhe bina nahi lagta nahi lagta agar tum log naye ho to subscribe karo wo jo lal wala button hai uske sath surya namaskar karo ya fir anulom vilom mujhe nahi pata bas click ho jana chahiye so hey everyone kaise aap sab I hope ki aap sab badhiya honge to fir se aapka swagat hai mai youtube channel tawseef tech mein तो गाइस थंबनेल और प्रीव्यू देख के समझ गए हैं कि आज हम अपने वीडियो में क्या बात करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको चाहिए VNF। तो चलिए गाइस यहां से हमने VNF को ओपन करेंगे। गाइस VNF आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। VNF ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे और अपने गैलरी में आ जाएंगे और यहाँ से गाइस अपने वीडियो क्लिप को ऐड कर देंगे। फिर से एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आ जाएंगे अपने VNF में। फिर से गाइस इस वीडियो में यहाँ पे गाइस जैसे ही यह सेकेंड वीडियो गाइस ऐड किया गया है, इस सेकेंड वीडियो गाइस आपको स्प्लिट करना है। तो चलिए गाइस इस वीडियो क्लिप को हम गाइस यहाँ पे 4.90 सेकेंड पे स्प्लिट करेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ। तो नीचे कैंची वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारा वीडियो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से सेकेंड वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे और इनमें एक ब्लैक वाटर मार्क मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसे भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद गाइस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फोटो वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से गाइस जिस वीडियो को ऐड करना है उसे यहां से ऐड करके एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस अपने सेकेंड वीडियो को साउंड को आपको म्यूट करना है तो वॉल्यूम वाला ऑप्शन पर आ जाएंगे और 100 माइनस कर देंगे और यहां से राइट कर देंगे। तो गाइज अपने वीडियो क्लिप को आप जूम करना चाहते हैं तो यहां से गाइज ऐसे आप जूम कर लेंगे, नहीं तो ओरिजिनल पे क्लिक करके 9.16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका वीडियो का रेशियो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। फिर से गाइज अपने फर्स्ट वीडियो पे आ जाएंगे और एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो इसका ऑडियो यहाँ पर बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसके ड्यूरेशन को फुल कर देना है जितना बड़ा आपका वीडियो है। तो गाइज अपने सेकेंड वीडियो में सोलोमो ऐड करना है तो गाइज यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ से अपने वीडियो में गाइज आपको सोलोमो ऐड कर देना है। चलिए गाइज यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा अच्छा लगे आप यहाँ से अपने वीडियो में सोलोमो ऐड करके यहाँ से राइट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये वीडियो में सोलोमो ऐड हो गया सेकेंड वीडियो में। तो गाइज जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट बच जाएगा तो इसे यहाँ से स्प्लिट कर देंगे और इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो गाइस डिलीट करने के बाद आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से जूम वाले ऑप्शन को ले लेना है और यहाँ से राइट कर देंगे। फिर से गाइस अपने वीडियो में गाइस आपको इफेक्ट ऐड करना है तो इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ वीडियो का स्टार्टिंग कर देंगे। फिर से यहाँ पर जिटर डाउन वाला ऑप्शन को ले लेंगे और इसके ग्रीन बॉर्डर को यहाँ पर जितना बड़ा हो आप करके यहाँ से राइट कर देंगे। तो गाइस फिर से स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम को म्यूट कर देंगे तो यहाँ से हमारा वीडियो बन कर रेडी हो चुका है। गाइस तो आप वीडियो को लाइक कर दो और यहाँ पे मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे गाइस तो यहाँ से हमारा वीडियो क्लिप गैलरी में एक्सपोर्ट होने लगा है। तो गाइस वीडियो पे बने हो गाइस और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। हम इसी तरह नई वीडियो ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल लेकर आते रहते हैं गाइस आपके लिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिलहाल बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।